तो आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए स्पेशल रेसिपी पोहा रिबन मुरकू। तो ये रेसिपी आप इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक मुरकू तोड़ के भी बताती हूँ। तो आपको इसके साउंड से समझ ही आ गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम ग्राइंडर जार में एक कटोरी पोहा ले लेंगे और यहाँ पे मैंने 1/4 कटोरी चना दाल ले लिया जो हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। आप ध्यान रखें कि बहुत अच्छे से आप बारीकी से ग्राइंड करें, अगर ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ होगा तो आप इसे छान के भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम एक बोल में डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने एक कटोरी राइस फ्लावर ले लिया है, चावल का आटा, और यहाँ पे मैंने आधा कटोरी बेसन ले लिया है। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून तिल डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने नमक ले लिया, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले। और 2/3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। और मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी को गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसे मैंने बॉईल कर लिया है, और हम इसमें डाल देंगे। मैंने सेम उसी कटोरी में मेजरमेंट किया था जिसमें मैंने आटे को किया था। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, हम इसे 10 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है, यहाँ पे मैंने मोल्ड ले लिया है रिबन मुरकू बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टाइप का, तो ये मोटे वाले होल से हम इसमें बनाएंगे। ये पतला वाले से जब आप बनाएं तो इसमें तिल वगैरह कुछ ना डालें, क्योंकि इससे वो तिल वाला जो है वो अटक जाता है, वो अच्छे से नहीं निकलता है। और हम इस तरीके से इसमें से फिट कर लेंगे मोल्ड को। और अब 10 मिनट्स हो चुके हैं, हम डो को तैयार कर लेंगे। तो आप इसे एकदम केयरफुली करें क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसका डो तैयार कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डो हमारा बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसे इस तरीके से रोल करते हुए इसे रोल कर लेंगे और इसे मोल्ड में डालेंगे। और यहाँ पे मैंने एक तरफ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। और अब हम इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए हम रिबन मुरकू को बना लेंगे। और इसे दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पे पलट पलट के हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हमारा पोहा रिबन मुरकू बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।